ਇਹਨੂੰ ਕਰੋ ਤਾਂ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਓਏ ਲੋ ਕਰੋ ਇਹਨੂੰ ਕਰੋ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਸਾਹਿਬ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਉਹ ਬਸ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਆਉਣ ਦਿਓ ਮੀਡੀਆ ਸਾਡੇ ਵੱਡੇ ਹੋ ਕੇ ਹੋਂ ਫੋਟੋ ਆਪਣੇ ਕੀ ਹੈ ਅਖਬਾਰ ਪਤਾ ਸਰ ਕੀ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਬਸ ਯਾਰ ਫੋਟੋ ਬਸ ਯਾਰ ਬਹੁਤ ਕੀ ਦਵਾ ਹੋ ਗਿਆ भारत माता की जय हो भारत माता की जय हो तमाम कर्मचारी प्रशासन मजदूर एकता जिंदाबाद मजदूर एकता जिंदाबाद हिकमा है जिला प्रशासन हिकमा है जिला प्रशासन हिकमा है नीरू नी एले दी और छोटे बाबू क्या हाल है इसकी रे बड़ा पता हम जिला प्रशासन की अर्धधर्मिता बसों को सिटी के अंदर होके ले निकालने के लिए और प्रभारी मंत्री ने भी कह दिया था और अखबार में भी पहुंचा दिया लेकिन जिला प्रशासन घर धर्मी तक के कारण से ये बसों को अंदर से जाने नहीं दे रहे हैं। जन सुविधा से सिटी के अंदर होकर जन सुविधा के जैसे विकलांग है कोई बुढ़ा है अस्पताल जा रहा है जो गांव से आता है उसका 100 रुपये किराया लगता है और बस स्टैंड से जाकर वापस आता है 150 रुपये में वो हॉस्पिटल जाके आता है। इसलिए जनता की असुविधा हो रही है और प्रशासन की हड़दर्मी के कारण से बसों को अंदर जाने नहीं देता। ऐसे हिंदुस्तान में कोई भी सिटी नहीं है जिस सिटी में हमेशा केंद्र में बस स्टैंड होता है और बसें हमेशा सिटी के केंद्र में जाती है लेकिन ये बाड़मेर सिटी की इतनी बड़ी सिटी है और इतना यातायात है कि यहाँ यातायात जाम हो जाता है रोड की बसों से लेकिन प्राइवेट बसें अंदर जाती है और वीडियो कोच अंदर जाती है उसके से जाम नहीं हो रहा है। उच्च अधिकारियों को नहीं है निम्न अधिकारी इनको गुमराह कर रहे हैं और यातायात में जितने भी आते हैं चाहे परिवहन हो और चाहे यातायात पुलिस हो वही इनको उच्च अधिकारी को गुमराह कर रही है कि अंदर वो के नहीं जाने देना। अनशन पे अभी दो बैठे हैं रुगाराम जी अनिश्चित और बाबूदान जी दोनों के अनिश्चितकालीन है कार्मिक नहीं है अनिश्चितकालीन अनशन है ये दो बैठे हैं दो आज तीसरा रुगाराम को तीसरा दिन है और बाबूदान जी को दूसरा दिन है ये नहीं मानी जाती अनिश्चितकालीन है जब भी नहीं मांगी जाएगी जब तक तो ये आमरण अनशन रहेगा।